नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चार व्यापार जो लॉकडाउन के बाद सबसे तेजी से बढ़ेंगे। आज कोरोना महामारी के कारण हमें जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हमारी भी है। किसी भी देश को आगे ले जाने में वहाँ रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की न्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज के इस बिगड़े हुए हालात में अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की धराशायी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से उठाएं और आत्मनिर्भर भी बनाएं। आज मैं आपको चार ऐसे व्यापार के बारे में बताने जा रही हूँ जो इस लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा चलने वाले हैं। पहला है स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद बेचना। आज के समय में जब पूरी दुनिया में मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे में इसकी बिक्री में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आप सबके लिए एक अच्छा मौका है। बेशक यदि आप इसका उत्पादन शुरू करते हैं तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है और इसकी बिक्री के लिए बाजार में खरीदारों की कोई कमी नहीं है। आप सरकारी संस्थान, निजी कंपनियां, शिक्षा संस्थान से संपर्क करके ज्यादा मात्रा में ऑर्डर ले सकते हैं, जिससे मुनाफा भी ज्यादा होगा। नंबर दो पर है वस्तुओं की होम डिलीवरी। आज के समय में कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी लोग बाहर निकलने से कतराने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि जरूरत की चीजें घर पे ही मुहैया हो जाए, और इसी कारण ऑनलाइन डिलीवरी का व्यापार भी काफी ज्यादा पनपने वाला है। अगर आप कुरियर सर्विस या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, किराना की डिलीवरी इत्यादि का व्यापार शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा फैसला साबित हो सकता है। नंबर तीन पर है ऑनलाइन शिक्षा। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि इसका महत्व क्या है। आज जब हम बाहर जा नहीं सकते तो कॉलेज स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करना भी ज़रा मुश्किल हो गया है, जिसके मद्देनजर कई शिक्षा संस्थाओं ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है। अगर आप किसी भी विषय में अच्छे हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने छात्र बना सकते हैं, और इसके लिए न तो आपको उनके पास जाने की जरूरत है और ना उन्हें आपके पास आने की, लेकिन इसके लिए आपके और आपके छात्र के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आजकल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नंबर चार पर है निर्यात करना। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा देश में आती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश समृद्ध बनता है। आज पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और भारत में वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप किसी भी वस्तु के निर्यात करने का व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इस व्यापार से आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, साथ ही साथ सरकार भी आपको अलग से इंसेंटिव भी देती है। किसी भी वस्तु का निर्यात का व्यापार काफी ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। व्यापार करना और उसे बढ़ावा देना सिर्फ एक इंसान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए फायदेमंद होता है। और कोई भी व्यापार बिना ग्राहक के नहीं चलता, अर्थात हमें अपने व्यापार को ग्राहकों की जरूरतों के साथ बदलना पड़ता है। जो इस कला को सीख गया वो ही एक अच्छा और बड़ा व्यापारी बनता है। लॉकडाउन के पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी में काफी फर्क होने वाला है, और इंसानों की जरूरतें भी उसी प्रकार बदल रही हैं और आगे भी बदलने वाली है। यह भी सच है कि व्यापारियों को भी मनुष्य की जरूरतों के साथ खुद को बदलना होगा। जो समय के साथ नहीं बदला उसका विकास असंभव है, चाहे वह एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या व्यापारी।